भारत पर विदेशी कर्ज यानी कि एक्सटर्नल डेट बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ने रिसेंटली डेटा जारी किया जिसमें ये खुलासा हुआ कि भारत पर कर्ज बढ़ गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत की जीडीपी का साइज बढ़ने के साथ ही जीडीपी के मुकाबले कर्ज का रेशियो यानी कि डेट टू जीडीपी रेशियो कम हो गया है। क्या है पूरी खबर और भारत पर विदेशी कर्ज कितना है, चलिए वीडियो में समझते हैं। तो आरबीआई ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया कि ये आंकड़ा मार्च 2024 के एंड तक 39.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 63.8 बिलियन डॉलर हो गया है। हालांकि इस इंक्रीमेंट के बावजूद भी देश की जीडीपी में विदेशी कर्ज की हिस्सेदारी घटकर 18.7% रह गई है। मार्च 2023 के एंड तक ये जो हिस्सेदारी थी वो 19% हुआ करती थी। तो जैसा आपको बताया कि फिलहाल देश के ऊपर एक्सटर्नल डेट 663.9 बिलियन डॉलर से ऊपर है जो कि फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ा सा ही ज्यादा है। देश का फॉरेक्स रिजर्व 650 बिलियन डॉलर से ऊपर है। रिजर्व के मुकाबले शॉर्ट टर्म के कर्ज का रेशियो भी घट गया है यानी कि कर्ज का आंकड़ा बढ़ने पर भी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ देश पर कर्ज का बोझ घटा है। रिजर्व बैंक के पास मौजूदा फॉरेक्स रिजर्व कुल एक्सटर्नल डेट का 98% है जो कि पहले 91% के अराउंड हुआ करता था। यानी कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो कर्ज तो बढ़ा है लेकिन क्योंकि हमारी जीडीपी का साइज बढ़ गया है, हमारे पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है, इसलिए वो कर्ज का बोझ उतना ज्यादा नहीं होगा भारत के ऊपर। अकॉर्डिंग टू आरबीआई मार्च 2024 के एंड में 53.8% हिस्सेदारी के साथ अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी कर्ज का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट रहा है। यानी कि जो भी भारत ने विदेशी कर्ज लिया है वो ज्यादातर डॉलर्स में लिया है, यूएस डॉलर्स में लिया है। इसके बाद भारतीय रुपया तकरीबन 31.5% है, येन की जो हिस्सेदारी है कर्ज में वो 5.8% है, एसडीआर 5.4% और यूरो विदेशी कर्ज में तकरीबन 2.8% की हिस्सेदारी रखते हैं। इसके अलावा विदेशी कर्ज में लोन 33.4% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा कंपोनेंट बना हुआ है। इसके बाद करेंसी और डिपॉजिट 23.3%, ट्रेड क्रेडिट और एडवांस 17.9% और सिक्योरिटीज 17.3% रहे हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अगर वैल्यूएशन इफेक्ट को हटा दिया जाए तो विदेशी कर्ज 39.7 बिलियन डॉलर के बजाय 48.4 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। वैल्यूएशन इफेक्ट में विदेशों में मौजूद एसेट की वैल्यू देखी जाती है, साथ ही विदेशी निवेशकों के पास मौजूद डोमेस्टिक एसेट की वैल्यू भी इसमें आंकी जाती है। देखिए आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि रुपी, येन, यूरो और एसडीआर की डॉलर के मुकाबले कमजोरी के चलते वैल्यूएशन इफेक्ट 8.7 बिलियन डॉलर का रहा है, जिसकी वजह से जो ये एक्सटर्नल डेट है ये 39.7 बिलियन डॉलर की बजाय 48.4 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2024 तक जनरल गवर्नमेंट डेटा सालाना आधार पर 11.5% बढ़ गया है। दूसरी तरफ हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के डेट में 16.5% की गिरावट आई है। रिजर्व बैंक के डेटा से पता चलता है कि कुल विदेशी कर्ज में नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बकाया लोन की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 37.4% थी, इसमें जनरल गवर्नमेंट हिस्सेदारी 22.4% थी। तो ये आरबीआई की तरफ से डेटा शेयर किया गया है में बताया है कि भारत के ऊपर एक्सटर्नल डेट कितना है। लेकिन एक्सटर्नल डेट, क्योंकि जैसा आपको पहले भी बताया एक्सटर्नल डेट बढ़ गया, लेकिन क्योंकि जीडीपी का साइज भी बढ़ गया है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी अच्छा खासा है, तो इस वजह से उस कर्ज का बोझ इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी और आपका इस पर क्या कुछ मानना है हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें।